हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक 5-पिन सॉकेट और 2 2-पिन सॉकेट का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से तार ले लेना है और तार को 5-पिन सॉकेट के इस वाले पॉइंट पे लगाकर कस लेना है। ये फेज का कनेक्शन है दोस्तों, इसलिए मैंने लाल कलर का तार लिया है। अब देखिए, यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें 2-पिन सॉकेट के इस वाले पॉइंट पे लगाना है। अब क्या करना है देखिए, एक और तार लेना है हमको और इस तरह से लगा देना है। अब देखिए, यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें इस वाले 2-पिन सॉकेट में लगाना है। तो इस वाले 2-पिन सॉकेट के मैं नीचे में लगा देता हूँ इस तार को। ये देखिए दोस्तों, फेज का कनेक्शन हो गया। अब हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल के लिए मैंने काला कलर का तार लिया है। ये देखिए, यहाँ पर हमको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। अब देखिए, यहाँ से जो तार निकलेगा उसे हमें यहाँ पर लगाना है, 2-पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट पे लगाना है। अब देखिए, इसमें एक और तार लगाना है हमको और फिर इस तार को हमें दूसरे वाले 2-पिन सॉकेट में लगाना है। तो चलिए कनेक्शन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह से तार को लगा दिया मैंने। अब इस तार को हमें यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर हमको न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेना है। अब चलिए इसमें सप्लाई देते हैं। तो देखिए, सप्लाई का तार हमें कहाँ पर लगाना है, तो जहाँ पर लाल तार लगा हुआ है वहाँ पर हमें फेज सप्लाई देना है। आप कहीं पर भी फेज सप्लाई दे सकते हैं, जहाँ जहाँ पर लाल तार लगा हुआ है वहाँ पर आप फेज सप्लाई दे सकते हैं। अब हमें न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर देना है, जहाँ पर काला तार लगा हुआ है वहाँ पर हमको न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो चलिए, इस तार को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इसे कस लेता हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। अब चलिए इसको इसके बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको इसके बॉक्स में बंद कर लिया। अब हमारा एक्सटेंशन बोर्ड बनकर तैयार हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए।